हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जैसे कि हम लोग, जैसे कि जानवर, जैसे कि प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान होती है, जिनमें जिंदगी होती है, उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे वेदर में रहते हैं और कहाँ पर रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, वो आपकी हैबिटेट है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए पहेली और भूजो जो है ना, वो वेकेशन में, मतलब छुट्टियों में गए हैं काफ़ी सारी जगह जो उनको पसंद आती हैं। एक ट्रिप थी जो कि रिवर गंगा के पास थी, ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है, तो ऋषिकेश गए थे वो लोग एक ट्रिप पे घूमने के लिए। उन्होंने क्लाइंब करी माउंटेंस, मतलब वो पहाड़ी चढ़े हिमालयस की, और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड थी। उन्होंने काफ़ी सारे तरीके के पेड़ देखे जो कि पहाड़ों में होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, दियोदर। आपको याद रखना है कि माउंटेन्स में कौन कौन से टाइप के पेड़ होते हैं, तो ओक, पाइन, दियोदर उन्होंने वहाँ पे देखे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। तो ये जो ओक, पाइन, दियोदर थे, ये काफ़ी ज़्यादा अलग थे उस एरिया से जहाँ पर वो रहते हैं। वो लोग प्लेन्स में रहते हैं पहेली और भूजो, एकदम समतल भूमि पर। वो पहाड़ों में गए तो उन्हें ओक, पाइन, दियोदर जैसे पेड़ देखने को मिले। एक और ट्रिप में वो गए थे जहाँ पे वो राजस्थान गए थे, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गर्म से रेगिस्तान में, हॉट डेजर्ट में घूमे कैमल्स पर, और उन्होंने काफ़ी सारे कैक्टस के प्लांट कलेक्ट किए उस ट्रिप से, कांटेदार प्लांट होते हैं ना कैक्टस का। फाइनली वो पुरी गए थे और उन्होंने सी बीच को विजिट किया था, और डॉटेड विद कैसुरीना ट्रीज़। तो कैसुरीना ट्रीज़ वहाँ पर थे, कैसुआरीना। फाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स। जब वो सोच रहे थे कि कितना मतलब उन्होंने मज़ा किया है इन ट्रिप्स पर, उनके दिमाग में एक बात आई कि ये सारे के सारे प्लेसेस, जैसे कि पहाड़, राजस्थान के डेजर्ट, और जहाँ पर वो पुरी में गए थे वो एरिया, वहाँ पर पानी था, समुंदर के पास थे, वो ये सारे के सारे इलाके एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग हैं। एक जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सूखा था, और तीसरी जगह जो कि समुद्र के पास थी, सी बीच थी, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड था, मतलब वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वहाँ पे जानवर थे और अलग अलग टाइप के वहाँ पर पेड़ थे, तो ये सब वो सोच रहे थे। उन्होंने ट्राई किया ये सोचने का कि प्लेस जो होते हैं धरती पर वो किस तरीके से मतलब अलग अलग होते हैं। वेयर देयर ऐसे भी इलाके होंगे जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, जहाँ पर कोई इंसान या जानवर या कोई भी नहीं रह सकता होगा। इस तरीके की बातें पहेली और भूजो सोच रहे थे। भूजो ने सोचा प्लेसेस जो कि उसके घर के पास थे, उसके घर के अंदर थे। उसने अपनी कबर्ड देखी, उसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर। तो उसने देखा कि उसकी कबर्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज लिविंग है या फिर जिंदा है। बट उसने देखा कि एक छोटा सा टाइनी सा स्पाइडर, मकड़ी वहाँ पर थी उसकी कबर्ड में, तो मतलब वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। घर के बाहर भी उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रीचर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर लिविंग क्रीचर्स हैं, मतलब जान, ऐसे पेड़ या पक्षी हैं जिनमें जान है या जानवर हैं। पहेली सोचना शुरू करा एंड रीडिंग अबाउट अवे फार अवे प्लेसेस। पहेली ने काफ़ी सोचना भी शुरू करा और पढ़ना भी शुरू करा जो अलग अलग दूर दूर जगह, दूर दूर काफ़ी जगह हैं उनके बारे में। उन्होंने पढ़ा, शी रीड दैट द पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग्स ऑफ वोल्केनोज। तो जो वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी जिनमें से आग निकलती है, उसमें भी लोगों को छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लोग पहेली भूजो सोच रहे हैं। अब ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और सराउंडिंग, किस तरीके के एरिया में, किस तरीके के इलाके में वो लोग रहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एक दूसरी थॉट जो कि पहेली के और भूजो के दिमाग में आई वो ये थी कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं कितने लोकेशन पे जहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। मतलब वो ऋषिकेश गए थे, वो लोग हिमालय वाले रीजन में गए थे, डेजर्ट गए थे, और वहाँ पे ओशंस वाले रीजन में गए थे, तो वहाँ पे कितने कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। डेजर्ट में उन्हें कैमल मिले, माउंटेन में उन्हें गोट एंड याक मिले, और पुरी में उनको क्रैब्स मिले बीचेस पर, और काफ़ी सारे टाइप की फिशेस उनको देखने को मिली थी जो कि फिशरमैन पकड़ते हैं। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। तो जो चीटियाँ हैं वो हर लोकेशन पे, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुंदर हो, चाहे
रेगिस्तान हो, चींटियाँ हर जगह मिलेंगी, और बाकी बहुत सारे क्रीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ, जैसे कि कैमल सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेगा, डेजर्ट्स में मिलेगा, वो बहुत ही ठंडे इलाके में ज़िंदा नहीं रह पाएगा। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो उसी रीजन को होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हर रीजन में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो व्हाट अबाउट, मतलब इस तरीके की सराउंडिंग क्या है, मतलब इन सब में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है? तो एक्टिविटी वन है कि लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट, एक जंगल के साथ हम स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में सोचते हैं, जो जो वहाँ पर मिलती है, और उनको एक कॉलम में लिख लेते हैं, जैसे कि टेबल 9.1। तो देखिए टेबल 9.1 में जंगल में क्या क्या मिलता है, माउंटेन में, डेजर्ट में, सी में और दूसरे अदर प्लेसेस में कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये हम लोगों को लिख लेना है। तो यही है कि एक कॉलम में आप लिस्ट बना लीजिए एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो भी वहाँ पर मिलते हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करके इस टेबल को फिल कर लीजिए। और इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जो किताबें होती हैं, लाइब्रेरी की किताबें या फिर अलग अलग से आप हेल्प भी दे सकते हैं। और ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल ईच ऑफ, मतलब फिर आगे कहते हैं एक्टिविटी में कि आप जितने भी ज़्यादा छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, कुछ भी आप इंक्लूड करने की इसमें कोशिश करिए। तो यही एक्टिविटी वन आपको करनी है कि अलग अलग जगह में कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स ये सब मिलते हैं वो लिखना है। अब आता है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी वन? एक्टिविटी वन में आपने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा होगा या एनिमल्स के बारे में लिखा होगा, है ना? तो उसके आपको क्या क्या पता लगता है? क्या उनमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं हैं? क्या उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है? और लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम ऑफ डेजर्ट एंड कॉलम ऑफ द सी। तो डेजर्ट वाले कॉलम में आपने कैमल ज़रूर लिखा होगा और सी वाले में आप लोगों ने फिश ज़रूर लिखी होंगी, है ना? तो इन दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है? ये ज़मीन पर रहता है और वो भी रेगिस्तान में, रेत पर चलता है, और ये पानी में रहती है। तो कितना इनमें डिफरेंस है, और इनके डिफरेंस भी आपको बताने हैं। वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज रीजन, इनके आसपास के इलाका जो है वो कैसा है? तो अगर हम सी की बात करें, इन द सी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सराउंडेड बाय सलीन वाटर, यानी कि जो समुद्र होता है ना उसका पानी खारा होता है, मतलब नमकीन पानी होता है, और इसके समुद्र में रहने वाले जानवर को उस नमकीन पानी की आदत पड़ जाती है। और मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्विंग वाटर, और जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना वो जो पानी में एयर यानी कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। देर इज़ वेरी डेजर्ट में पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही गर्मी होती है दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट के, वो मतलब सॉइल में रहते हैं एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब ज़मीन पर रहते हैं। प्लांट और एनिमल्स समुद्र में तो पानी के अंदर रहते हैं, और डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वो लोग ज़मीन पर रहते हैं और अपने हवा में आराम से सांस लेते हैं। और सी और डेजर्ट जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दीज रीजन्स। तो डेजर्ट हो गया, सी हो गया, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और हमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड सी। डेजर्ट और सी में काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कैमल हो गया और फिश हो गया, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है और कैसी कैसी कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं वो भी काफ़ी अलग होता है। कैमल जो होते हैं उनकी काफ़ी लंबी टांगें होती हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है ना वो धरती की गर्मी से दूर रहती है, क्योंकि जो रेत होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए कैमल की टांगें इतनी ऊँची होती है ताकि उसका शरीर उस ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहे और ठंडा, मतलब ठीक ठाक रहे। वो बहुत ज़्यादा कम टॉयलेट जो होता है, यूरिन, वो बहुत ज़्यादा कम निकालते हैं बॉडी से, क्योंकि पसीने से भी काफ़ी ज़्यादा उनका निकल जाता है ना, तो पानी बचाए रखते हैं बॉडी में। देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, तो मतलब इनका पसीना नहीं आता है इनको ताकि पानी ना लॉस हो, और इनका जो डंक होता है, जो इनकी पॉटी होती है, वो एकदम ड्राई होती है, उसमें भी पानी नहीं होता, अपने बॉडी के अंदर ये पानी बचा के रखते हैं जो कैमल होता है। और कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो जो कैमल होता है वो बहुत ही कम पानी अपनी बॉडी से निकालता है, और मतलब बिना पानी के भी ये कई दिन तक रह सकता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज है ना होती हैं, तो काफ़ी सारी फिश जो होती हैं, देर आर बहुत सारे टाइप की फिशेज होती हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन इन देयर शेप? तो सारी की सारी फिशेज की शेप तो काफ़ी हद तक सेम ही होती है। ऑल द वंस जो कि आप लोगों को फिगर 9.3 में दिखाई गई हैं, ये देखिए यहाँ पर फिगर 9.3 नीचे है, फिगर 9.3 में देखिए कितनी सारी फिशेज आप लोगों को दिखाई गई है ना, है ना, ये देखिए,
ये देखिए कितनी सारी फिशेज़ है, पर जितनी भी फिशेज़ हो हर किसी की बॉडी की शेप कैसी है, इस टाइप की है, जो इस टाइप की शेप होती है ना ऐसे करके, इसको ना हम लोग ना स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। देखिए कैमल, देखिए इनकी टांगें कितनी ऊँची ऊँची हैं, तो स्ट्रीम लाइन शेप की फिशेज़ होती हैं ताकि वो आराम से पानी में मूव कर सकें। और फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, जो स्केल ऐसे ऐसे करके होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। तो ऐसे ऐसे करके जो स्केल्स होते हैं साइड में उनके पंख जैसे, वो ईजिली मूव करवाते हैं वाटर में। और चैप्टर 8 में भी पढ़ा था कि फिश जो है उसके फ्लैट फिन्स होते हैं एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, उसकी टेल जो होती है उसकी वजह से भी वो आराम से जो है बैलेंस बना पाते हैं पानी में और मूव कर पाते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना फिश पर उनको हेल्प, गिल्स प्रेजेंट इन द फिश, फिश में जो गिल्स होते हैं हेल्प देम, गिल्स हेल्प करते हैं फिश को ताकि वो यूज़ कर ले जो कि ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी में उसको। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इन साइड द वाटर एंड फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं फिश में और कैमल में अलग अलग, जिसकी वजह से वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं अपने अपने हैबिटाट्स में। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं कि ये दो जो एनिमल्स हैं ये कितने ज़्यादा अलग हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और अलग तरीके से रहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग इन विच दे नॉर्मली फाउंड। तो हम देखेंगे कि उन जानवरों में ऐसे फीचर्स होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो आराम से उस हैबिटाट में रह सके, कुछ उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और उसी हैबिटाट में उसी इलाके में वो आराम से रह पाते हैं। देखिए हैबिटाट होता है जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे गर्मी है सर्दी है क्या है वो आपकी हैबिटाट है, और विच अनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस कॉल्ड एडेप्टेशन। तो देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है आपने किसी जगह पर रहना सीख लिया है, उस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने जीना सीख लिया है। जैसे कि कैमल की टांगें लंबी होती हैं इसलिए होती हैं ताकि वो ज़मीन से ऊपर हो और वो आसानी से चल सके, इसलिए कैमल की जो टांगें होती हैं वो ऊंची होती है। अगर कैमल की टांगें ऊंची ना हो तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, अगर फिश की शेप ऐसी ना हो तो मूव नहीं कर पाएगी। तो ये ना एडेप्टेशन होता है कि वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहना सीख जाते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है कहाँ रहते हैं। तो एडेप्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगती है समय के साथ साथ, जिस जगह पर वो जानवर रहता है उसके हिसाब से। इसीलिए फिश जो है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और कैमल जो है वो सी में समुंदर में वो नहीं रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटाट, तो जिस जगह पर एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, उनका जो घर होता है उसको हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू द ऑर्गेनिजम्स, तो हैबिटेट जो खाना देता है शेल्टर देता है पानी देता है और खाना मतलब सब कुछ देता है जिस जो भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ज़रूरत होती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, काफ़ी सारे टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम ही हैबिटेट में आराम से रह पाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, तो प्लांट्स हो गए जानवर हो गए प्लांट और एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रह पाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के वो हैं फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, तो काफ़ी सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं टेरेस्ट्रियल रीजन्स के। ऑन द अदर हैंड हैबिटेट जो होती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स जो कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट के कहते हैं, और जो ज़मीन पर रहते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कहते हैं। अब ये है, ये वाला जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग ना यहाँ तक देख लेते हैं एक्टिविटी टू से पहले पहले का सारा। ये हमने देख लिया कि एक्वेटिक हैबिटेट जो कि पानी वाले होते हैं जैसे कि लेक रिवर ओशन, ये कुछ एग्जांपल हैं एक्वेटिक हैबिटेट के। और काफ़ी देर आर लार्ज वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन, ठीक है। काफ़ी अलग अलग इनकी रहने के तरीके होते हैं अलग अलग रीजन्स के। ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, तो देखिए ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें भी जान होती है ना, जिनमें जान होती है वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी हैबिटेट के। ये चीज़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायोटिक क्या होते हैं। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनमें जान होती है,
नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक हो गया, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे के सारे एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक क्या क्या होते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, चट्टाने, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सनलाइट और हीट भी क्या है? एबायोटिक है, क्योंकि सनलाइट में कोई जान थोड़ी ना होती है ना। तो एबायोटिक बायोटिक, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट सीड्स से ग्रो होते हैं। तो देखिए एबायोटिक जो है वो बायोटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्टिविटी 2 से लेकर के आगे का चैप्टर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।